स्वागत है आपका नेशनल दर्शक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफ। जिस तरह से देश का माहौल बनता जा रहा है, जहां एक तरफ भाजपा सरकार अपनी मनमानियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी की पार्टी के नेता मंत्रियों की खूब बेइज्जती हो रही है। ये तो आपको पता ही होगा कि उपराज्यपाल के पद से अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह विनय सक्सेना को नया राज्यपाल बनाया गया है। उनके शपथ समारोह में काफी सारे लोग मौजूद थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के सांसद इतना गुस्सा होकर चले गए, समारोह ही छोड़कर भाग गए। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी, पहले आप ये वीडियो देखिए। व्हाट हैपेंड सर, पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। तो देखा आपने, ये है बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इतने नाराज हो गए कि समारोह छोड़कर भाग गए। अब मैं आपको ये पूरा मामला बताती हूँ। दरअसल नए उपराज्यपाल के शपथ समारोह में हर्षवर्धन भी पहुंचे थे, लेकिन वो पहुंचे तो मगर उनके बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। संसद सदस्य के लिए एक सीट तक नहीं रखी गई। इसी वजह से पूर्व मंत्री नाराज हो गए और समारोह को छोड़कर जाने लगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा वालों की बेइज्जती की जा रही है कि उन्हें एक सीट तक नहीं मिली जहां पर सांसद जी बैठ सके। अब हर्षवर्धन सिंह को ये बात इतनी बुरी लग गई, वो इतने नाराज हो गए कि बीच से ही उठकर जाने लगे। इस दौरान उन्होंने जाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार नजर आ गए। अब नाराज सांसद ने उनसे कह डाला कि मैं इस बद इंतजामी की शिकायत उपराज्यपाल विनय सक्सेना से करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए। आप सोच सकते हैं कि जब एक सांसद के लिए एक कुर्सी तक का इंतजाम नहीं कराया जा सकता, तो आम जनता की क्या हैसियत है इनके सामने। इसलिए सांसद जी कुर्सी ना मिलने की वजह से शपथ समारोह को बीच में ही छोड़कर भाग गए। इसमें श्रीनिवास लिखते हैं कि पहले मंत्रालय से कुर्सी गई और अब यहां से कम स्टूल तो दे दिया जा सकता था। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से नाराज होकर वापस लौटे बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को मनाने के लिए अधिकारी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन वो कहां रुकने वाले थे, क्योंकि सांसद जी की इतनी बड़ी बेइज्जती जो हो गई थी, इसलिए वो समारोह स्थल से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए बिना कार्यक्रम पूरा किए। वापस लौटने के बाद में जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि संसद सदस्य तक के लिए इन्होंने सीट तक नहीं रखी हुई है, और नाराज होकर वहां से चले गए। खैर, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।